इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम मोर प्रोसेसेस ड्यू टू विच द प्रिसिपटेशन डज नॉट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू रन ऑफ कहने का मतलब है इंटरसेप्शन और डिप्रेशन स्टोरेज की वजह से जो भी प्रिसिपटेशन हो रही है वो रन ऑफ में नहीं कन्वर्ट होती है ठीक है तो अगर हम बात करें कि इंटरसेप्शन होता क्या है ठीक है तो अगर हम बात करें इंटरसेप्शन होता क्या तो है तो कहने का मतलब है जब आपकी होती है तो सारी प्रेसिपिटेशन आपकी डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस पे नहीं फॉल करती है वो क्या होती है जो भी बिल्डिंग्स होती हैं आपकी जो भी वेजिटेशन होती है ठीक है उन पे जाके वो स्टोर हो जाती है समझिएगा कि जब भी कोई प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो सारी प्रेसिपिटेशन ग्राउंड पे नहीं फॉल करती है डायरेक्टली वो क्या होती है प्रेसिपिटेशन आपकी बिल्डिंग्स पे वेजिटेशन मतलब कि पेड़ पौधों पे जाके रिटेन हो जाती है ठीक है तो वही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि बिल्डिंग्स पे पेड़ और पौधे पे रिटेन हो रहा है उसी को हम कहते हैं इंटरसेप्शन दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन ठीक है तो इट रेन्स ओवर अ कैचमेंट नॉट ऑल प्रेसिपिटेशन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड अ पार्ट ऑफ इट मे बी कॉट बाई वेजिटेशन एंड गेट एवेपोरेटेड वाटर सो कॉट इज इंटरसेप्शन ठीक है तो कहने का मतलब है जो भी प्रेसिपिटेशन हो रही है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे नहीं गिरती है वो पहले बिल्डिंग और वेजिटेशन पे रिटेन हो जाती है तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन हो रहा है बिल्डिंग्स एंड वेजिटेशन पे उसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन क्लियर है उसमें हम कहते हैं इंटरसेप्शन अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो बेसिकली अगर कोई ग्राउंड सरफेस होगा तो उस पर जो भी वेजिटेशन होगी तो उन पर रिटेन होगी तो इसीलिए हम बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हम बोल दे रहे हैं कि वेजिटेशन से वेजिटेशन पे जो रिटेन हो रही है तो उसको हम कह रहे हैं इंटरसेप्शन तो इंटरसेप्शन आपका क्लियर हो गया तो अब हम बात करें तो ड्यूरिंग प्लांट ग्रोइंग सीजन इंटरसेप्शन लॉस इज अबाउट टेन टू ट्वेंटी परसेंट यानी कि जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो इंटरसेप्शन लॉस कितना होता है दस से बीस परसेंट ऑफ टोटल यानी कि दस से बीस परसेंट ऑफ टोटल रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं होती है ड्यू टू इंटरसेप्शन ठीक है इट इज डिफिकल्ट टू मेजर एंड इज रेयरली सिग्निफिकेंट इन हाइडोलॉजिकल स्टडीज डीलिंग फ्लड सो अ लमसम वैल्यू एज इनिशियल लॉस टू बी डिडेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पीरियड ऑफ स्टॉम कहने का मतलब है कि ये बहुत डिफिकल्ट होती है मेजर करने के मेज़र करने के हिसाब से इंटरसेप्शन और इसकी कोई भी सिग्निफिकेंसी नहीं है यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है जब हम फ्लड्स की बात कर रहे हैं यानी कि रन ऑफ की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह देते हैं कि एक लमसम अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर देते हैं इनिशियल पीरियड ऑफ स्टॉम से घटा देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है इंटरसेप्शन हो जाता है क्लियर तो इंटरसेप्शन क्या हो रहा है कि जो भी रेनफॉल हो रही है प्रिसिपिटेशन हो रहा है वो ग्राउंड पे पहुंचने से पहले बिल्डिंग एंड वेजिटेशन पे रिटेन करते हैं ठीक है और फिर वहां से वो क्या हो जाते हैं इवेपोरेट हो जाते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन हुआ आपका बिल्डिंग एंड वेजिटेशन पे उसको हम कह रहे हैं इंटरसेप्शन नेक्स्ट इज डिप्रेशन स्टोरेज अब जो आपकी प्रिसिपिटेशन ग्राउंड सरफेस पे आई वो फ्लो करने से पहले जो भी ग्राउंड सरफेस पे डिप्रेशन होंगे डिप्रेशन मतलब गड्ढे उनको भरेगा ठीक है उनको भरेने के बाद ही आपका जो प्रिसिपिटेशन होगी वो ऑफ में कन्वर्ट होगी यानी कि सरफेस पे वो फ्लो करेगी यानी कि जब बारिश हुई तो अगर ग्राउंड सरफेस पे गड्ढे हैं यानी कि डिप्रेशंस है तो बारिश उन गड्ढों को भरेगी तभी आपका उसके बाद ही आपका सरफेस रन ऑफ शुरू होगा ठीक है तो जितनी बारिश इस गड्ढे में या तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन डिप्रेशन में स्टोर हो रहा है उसको हम कहते हैं डिप्रेशन स्टोरेज ठीक है तो व्हेन प्रेसिपिटेशन रीचेस द ग्राउंड सरफेस इट मस्ट फिल अप ऑल डिप्रेशन बिफोर इट कैन फ्लो ओवर द सरफेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रैप्ड इन दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन स्टोरेज

तो अगर पूरे भरे नहीं है तो वाटर क्या हो रहा है तो या तो वाटर इन्फिल्टेट कर जा रहा है या तो वो ग्राउंड सरफेस में चला जा रहा है या तो उस गड्ढों से क्या हो जा रहा है इवेपोरेट हो रहा है तो बेसिकली ये जो डिप्रेशन स्टोरेज और इंटरसेप्शन है ये बेसिकली काउंट होते हैं इनिशियल लॉसेज में ठीक है इनिशियल लॉसेज के बाद आता है फिर इन्फिल्ट्रेशन क्लियर है तो ये सब छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं जितने वाटर आपका ट्रैप हो रहा है जो कि प्रेसिपिटेशन आपकी रन ऑफ में नहीं कन्वर्ट हो रही है इन दो प्रोसेस की वजह से वो सब आपके इनिशियल लॉसेज में आ जाते हैं तो दैट्स ऑल अबाउट इंटरसेप्शन एंड डिप्रेशन स्टोरेज नेक्स्ट लेक्चर में हम इनफिल्ट्रेशन की बात करेंगे